हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। सो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ, इसका पहला पार्ट मैं पहले ही आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ और ये इसका दूसरा पार्ट है जो अलमीरा का है, बिफोर एंड आफ्टर। सो अभी देखते हैं ये बिफोर एंड आफ्टर कैसा दिखेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आप देख सके कि ये मैंने जो पहले पार्ट में डाला था बिफोर और अभी ये आफ्टर पूरा कंप्लीट होके कैसा दिख रहा है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे घर के बाहर ना कुछ काम चल रहा था जिस वजह से बहुत ज्यादा साउंड कर रहा था, तो मुझे अपना वॉइस देना पड़ा। उस समय मैं जब बोल रही थी तो मेरा साउंड ठीक से आ नहीं रहा था, तो मैंने जब पूरा वीडियो देखा अपना तो मुझे लगा कि नहीं, ये साउंड अच्छा नहीं आया है, तो मैंने अपना वॉइस दिया है। तो उस चीज के लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान दूंगी कि मेरा वीडियो में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या लिया है। मैंने ये आपको पहले भी दिखाया था कि अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया था ये पाउचेस, साड़ी का पाउचेस जो मुझे 198 में 3 पड़ा था, लेकिन ये जो पाउचेस है मुझे 99 में 3 पड़ा। मुझे एक मतलब मैं अमेज़ॉन में री ऑर्डर कर रही थी फिर से, तो मेरा नज़र इस पे पड़ा कि अरे 99 में 3, तो मैंने मंगवाया और देखा कि सही में ये प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा या फिर ऐसे ही कुछ फेक है करके। तो जब ये डिलीवर्ड हुआ तो मैंने तुरंत ओपन करके देखा तो देखा कि हाँ, ये साड़ी का ही कवर है और बहुत ही अच्छा मटेरियल है, क्लॉथ भी बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा कवर है ये। इसमें एटलीस्ट 20 साड़ीज आराम से, 15-20 साड़ीज आराम से अट सकते हैं अगर आप इसमें अच्छे से अटाएंगे तो। तो ये देखिए, बीच बीच में मेरी बेटी आके मेरे को परेशान कर रही थी वीडियो बनाने टाइम, क्योंकि वो घर पे थी तो उसका काम ही यही है कि वो बार बार आए और मुझे परेशान करे। तो वो बोल रही थी कि मुझे भी आना है वीडियो पे। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार उसे लाके दिखा देती हूँ और उसको मिला देती हूँ। और उसने साथ में अपने बल्लू को भी लेके आया था कि उसका वो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, दिन भर उसके साथ वो चिपके रहती है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं फिर से दिखाती हूँ मेरा अलमारी जो मैंने किया था पहले भी। तो इस कवर पे मैं सारा अपना रखूंगी सामान, जो भी साड़ी वाड़ी है। मेरा अलमारी में प्लेस बिल्कुल नहीं है क्योंकि मेरे अलमारी में बहुत सारे कपड़े हैं। मैं शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाती हूँ तो जो ऑर्डर आता है कपड़ा वो सब रखने के लिए मुझे जगह बनाना था और घर में रखने के लिए जगह नहीं था। तो ये मेरा अलमारी है जिसमें जगह बिल्कुल नहीं था। तो मैंने देखा और कि कवर्स मंगाती हूँ और ट्राई करती हूँ कि अलमारी में किसी तरह मैं जगह बना सकूँ। तो मैंने पहले ब्लॉग में दिखाया है आपको, आप ये देख सकते हैं। ये मेरा अलमारी अभी मैं ओपन कर रही हूँ, आप देखिए जो ये सामने आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का कवर था, इसमें मैंने अपनी सारी साड़ियाँ और लहंगा, क्रॉप टॉप जो होता है ना, हैवी हैवी पार्टी वेयर ड्रेसेस, मैंने इसमें डाल दिया जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो पार्ट वन में मैंने बस यही किया, आपको पार्ट वन में अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि मतलब क्या है बिफोर आफ्टर, आप लोग को उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। इसलिए ये पार्ट टू का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिफोर और आफ्टर मेरा कैसा दिखता है। तो मैंने फटाफट अपना जितना भी वेस्टर्न वेयर, जितना भी मेरा ड्रेसेस था जो मैं डेली यूज नहीं करती हूँ, कहीं भी बाहर घूमने जाती हूँ तो उसको पहनती हूँ, तो वो सारा मैंने इस पाउचेस में रख दिया है। और क्या है ना कि पाउचेस में रखने से ना एक अच्छा बात क्या, देखिए मेरी बेटी फिर से आ गई मेरे को कुछ दिखाने के लिए। तो मैं कहाँ थी, हाँ मैं बोल रही थी कि पाउचेस में रखते हैं ना तो क्या होता है ना कि आपको जब भी निकालना होता है ना तो आप आराम से निकाल सकते हैं, और पाउचेस में नहीं रहता ना तो आप जब कपड़ों को निकालते हैं ना तो फट से खिंचाता और कहीं ना कहीं फंस के फटता है। तो मैंने ये चीज़ ये देखा है जब पहले पार्ट मैंने बनाया और वो कवर्स को रखा, तो जब मैं उससे निकालती थी कोई भी ज़रूरत पड़ता था तो मैंने देखा कि हाँ भाई, कपड़ा सेफली उसमें रह रहा है, फट नहीं रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि अलमारी के साइड में रखा के लग के मेरा कोई कोई ड्रेस जो नेट रहता है वो फट जाता है, तो बहुत मुझे ख़राब लगता है क्योंकि मुझे कपड़ों से बहुत प्यार है। और ये देखिए, मैं अपना अलमारी सेट करना चालू कर दी। देखिए नीचे का जो शेल्फ है ना वो खाली हो गया, दो नीचे का दोनों शेल्फ का पूरा कपड़ा उसमें सेट हो गया है। तो आप खुद देख सकते हैं कि अलमारी में मुझे जगह चाहिए था और कितना जगह खाली हो चुका है। आप देखिए बीच वाला जो शेल्फ है, सबसे नीचे वाला शेल्फ में मैंने वो कवर्स रख दिया और वो कवर में जो भी कपड़े मैं रोज
रोज नहीं पहनती हूँ वो रखा है, और मैं अपने सारे वेस्टर्न ड्रेसेस को, जीन्स और टॉप्स को मोड़ के पीछे रख दे रही हूँ कि बार बार मुझे वो कवर निकालने का जरूरत ना पड़े। कहीं भी बाहर हम मैं जाती हूँ तो जीन्स ही पहन के जाती हूँ। मेरे हस्बैंड ज़्यादातर मुझे जीन्स ही पहनने बोलते हैं तो वो मैं पहनती हूँ। और देखिए मैं अपने हस्बैंड का ऑफिस का फॉर्मल पैंट्स जो आयरन करके मैं रखती हूँ वो वहाँ मैंने रख दिया है। और ये मेरे हस्बैंड का ही पूरा सेक्शन है, ये वाला शेल्फ, वहाँ पे उन्हीं का कपड़ा रहता है, उनका ऑफिस का पेपर्स रहता है, सब कुछ, तो मैं उसको छूती नहीं हूँ। तो अभी पहले उसको अच्छे से सेट कर देते, उसको भी थोड़ा बहुत खाली कर देते। उसको मैं पाउचेस में नहीं रखूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड ना जल्दी खुद से निकालते नहीं है, मेरी को निकालना रहता है, अगर सामने दिखता है तो वो निकाल लेते। और ये जो कवर है ना, ये एटीएम के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए और आधार कार्ड के लिए रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको मंगवाना हो तो मैं लिंक शेयर करूंगी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ना, 199 में मुझे मिला। और आप देखिए कि ये पूरा शेल्फ खाली हो गया और ये साइड में जो है वो भी मैं इस पाउचेस में रख देती हूँ कि वो भी थोड़ा अच्छा लगे। और सबसे ऊपर वाला जो पाउच मैंने रखा है वो बहुत पुराना है, सबसे स्टार्टिंग में मैंने मंगाया था वही, तो मैंने वही सोच के मंगवा के फिर ये वीडियो बनाया है। ये जितना दुपट्टा है मैं उसको यूज करती नहीं हूँ, तो अब मैं एक और पाउच खोलूंगी। जो ये मुझे 198 में 3 पाउचेस मिला, देखिए ये जो 3 आप देख रहे हैं ना सामने, 3 ब्लैक कलर का है, सेम टू सेम वैसा ही ये है जो मुझे 198 की 180 में 3 मिला है। तो मैंने मंगाया है क्योंकि उस समय मुझे कम पड़ गया था ना, नहीं रखने को था कपड़ा, वो कवर्स कम पड़ गया था, 3 में वो सारे अट गए थे। तो अब ये सारे वेस्टर्न कपड़े मैं उन सब में डालती रहूंगी। और ये जो एक ड्रेस है ये बहुत हैवी ड्रेस है, मैंने अपनी बेटी के बर्थडे पे लिया था, तो मैं वो हैवी हैवी ड्रेसेस को मैं पाउचेस में रखती हूँ। और ये भी एक ड्रेस है जो मैंने अपनी बेटी के बर्थडे पे ही लिया था, जो मैंने यूज नहीं किया। अभी देखिए फिर से मेरी बेटी आ गई है क्योंकि उसको ना मेरे बिना एक मिनट का भी चैन नहीं है। जब भी मैं कहीं भी कुछ भी काम करूँ वो बीच में घुसना ही घुसना है उसको, तो वो आके अपना टैब देख रही थी और मैं फटाफट वो पाउचेस में, देखिए वो इतने हैवी हैवी ड्रेसेस हैं लेकिन उसमें कम से कम मैंने 4 ड्रेसेस को घुसाया है। हैवी ड्रेसेस 4 घुस सकते हैं, तो आप खुद सोच लीजिए कि साड़ी कितने अच्छे से घुस जाएगी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे एडजस्ट करके अच्छे से रखेंगे। और इसमें जो है ना सारे मेरे ब्लाउजेज और पेटीकोट है जो मेरे साड़ी के हैं, जो ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो ये पाउच को मैं सबसे ऊपर में ही रखूंगी क्योंकि अभी फेस्टिवल्स आ रहा है ना, तो साड़ीज ही मैं पहनती हूँ तो उसके लिए। और ये सारी चुन्नी है मेरे ड्रेसेस की जो मैं मोड़ के रख दी हूँ। अभी देखिए फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से, फाइनल रिजल्ट, और आप देख सकते हैं कि एक शेल्फ पूरा खाली मिल गया मुझे। मैंने अपने हस्बैंड का भी शेल्फ अच्छे से सजा के एकदम नीट से रख दिया है कि उनको जो भी चाहिए वो दिख जाएगा। पूरा आप प्रॉपर से देख सकते हैं कि अलमारी कितना नीट दिख रहा है, बिफोर कैसा था आफ्टर कैसा था आपको तब पता चलेगा जब आप मेरा पहला पार्ट देखेंगे इसका, तो ज़रूर जाके देखिएगा। मैं अपने इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक ज़रूर शेयर कर दूंगी, तो जाके विजिट करिएगा उस वीडियो को और देखिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय गाइज।